जैसे कि आज जिसकी वैकेंसी आ गई है, टाइम पीरियड है बहुत कम, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? देखो अंकित, क्या है कि राजस्थान में पहली बार 222 सीटें आई है। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, एक सीट उसके लिए मिल जाए। लेकिन उस स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि ये प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का मतलब प्रति माने विपरीत, विपरीत के प्रति योग्यता, विपरीत से ज्यादा योग्य होना। अब विपरीत से ज्यादा योग्य होने का मतलब है कि ये मेरिट का एग्जाम है, ये किसी LLB के फिर पास एग्जाम तो है नहीं, मतलब मान लो 50,000 लोग इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ऊपर के 222 लोगों को लिया जाना, बाकी आप अपने घर जाइए। ये विद्यार्थी को समझना पड़ेगा, उसे अपनी सीट फिक्स करनी है तो सीट से उसकी मेहनत से नहीं हो सकती, उसे एक शानदार कोच की जरूरत पड़ेगी। वो खिलाड़ी है इस गेम का, और जब तक तो उसका शानदार कोच नहीं है ना तो पॉसिबल, तो उसे एक शानदार कोच की जरूरत पड़ेगी और उसे समझना पड़ेगा किस कोच को मिले। दूसरा, उसे ये भी सावधान रहना पड़ेगा कि अभी मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे और ये कोशिश करेंगे कि भाई बहुत सस्ता 5,000 में कोर्स ले लो, 10,000 में कोर्स ले लो, इस तरह के कोर्सेज आएंगे। उन कोर्सेज की कोई यूटिलिटी नहीं है, उनसे सिर्फ आप एक ठगने में आएंगे। वो एक तरह के ठेकेदारी करना है भाई, ठीक है किसी नए नए बच्चे को या किसी भी ऐसे विद्यार्थी को लगा दिया और वो पढ़ा रहा है और ठीक है, उसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखो 3 स्टेज का एग्जाम, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू। अब बात आती है कि अभी तो फोकस हर स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे करना चाहिए, क्योंकि उसके पास मेरे अनुसार तो 60 डेज है। उसे अपनी तैयारी बंद कर देनी चाहिए 10 जून को, 10 जून के बाद मस्त रहना चाहिए, मैं 16 जून को अच्छे से एग्जाम होना चाहिए। लेकिन 10 जून तक भी उसकी बिना किसी स्टॉपेज के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब जब आप मेरे पास आएगा तो अब मैं बताता हूँ कि हमने क्या मैनेज, हमने ये प्लानिंग की हुई है कि जो बैच हमने आज शुरू किया उस बैच के लिए हमने ये प्लान किया है कि 12 से 13 घंटे का हमने प्लानिंग की है। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट की क्या प्लानिंग है, सुबह इंग्लिश की क्लास है, फिर 4 साढ़े 4 घंटे की मेरी लॉ की क्लास है, फिर हिंदी की क्लास है, फिर उसका लंच है, लंच के बाद फिर वो लाइब्रेरी में चला गया है। लाइब्रेरी में दो टीचर्स वहाँ बैठे रहेंगे, और दो टीचर्स वहाँ बैठे रहेंगे साथ में। वो इसलिए कि भाई 7 घंटे तक तुम लाइब्रेरी में बैठ रहे हो ना, 7 घंटे में आपको आने वाली प्रॉब्लम में वहाँ उसी समय क्लियर करेगा। और फिर जब आप घर जा रहे होंगे तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर होगा, जिसमें 70 क्वेश्चन लॉ के होंगे, 15 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के होंगे, 15 क्वेश्चन उसमें हिंदी के लिए। तो पर डे आप ये दे रहे हैं, और ऐसा आप कितने दिन दे रहे हैं, हम 60 दिन की बजाय पेपर स्ट्रीम मान लेते हैं कि हम 50 पेपर, ऐसे 50 पेपर का मतलब वो कि 5,000 क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन तो बाहर आए और बीच बीच में उन्हें कैसे लर्न कराना है। तो ये जो काम करना है जो इतना इस लेवल की है, तो हम तो कहते हैं कि भाई आप हमारे अनुसार चल लो, पर हम आपको कहते हैं कि 100 प्लेयर 100 सेलेक्ट आ रहे। मेंस की हम अभी नहीं कह रहे, क्योंकि मेंस में ये देखेंगे कि कितना टाइम हुई है। आज आप हमारे पास आए, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिए, प्रीलिम्स में हम आपको हर आने पास करा देंगे, और फिर ठीक लगे तो आप भगवान साहब ने बनना, न लगे तो किसी और से जान लेना। लेकिन प्लेयर्स भी क्लियर हुआ तो आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा। ये हमारी प्लानिंग, हर विद्यार्थी को जो इसके लिए दादा है, इस गेम के लिए जो कोच चाहिए, कोच आपको एक शानदार ब्लूप्रिंट बनवाएगा। और ब्लूप्रिंट बनावाएगा ही नहीं, ब्लूप्रिंट बना के रख लो अपने घर पर, क्या करोगे उसको एक्सक्यूट करवाए, हाथ पकड़ कर खींचेगा। अब जैसे मान लो सेल्फ स्टडी कर, आपके दिमाग में आया जाता है सर कम समय रहेगा, सेल्फ स्टडी आप कर ही नहीं सकते उस लेवल पर। आप एक एक्ट को लेके बैठेंगे और उस एक्ट के गहराई में या किताबों में या नोट्स में ऐसे उलझेंगे कि
कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या छोड़ना है, वो आपको पता ही नहीं हो चलेगा। टीचर क्या करता है, तो उसको खींचे करता है, उसको साथ साथ ले जाता है और सारे सिलेबस से घुमा देगा अच्छे से। आपको पता रह जाते ये जो लेवल है वो नहीं कर पाते विद्यार्थी जो सेल्फ स्टडी या इस तरह की। अब देखो कि क्या है, इन सब चीजों पैसे की दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? मैं कहता हूं ये कॉम्पिटिशन है एक स्टूडेंट के प्रति, आपका आप उससे कितने होशियार है इस बात की दौड़ है जी, रेस है एक टाइम, और रेस में 922 लोगों को निकलना है, बाकी लोग नहीं निकल पाएंगे उस रेस में। मान लो इनका आदमी प्रोटीन खा रहा है रोजाना, उसे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, उसके पास अच्छे जूते भी, वो आपसे आगे निकल जाए। यही कॉम्पिटिशन में कुछ ही हुई, जैसे एक स्टूडेंट है जिससे पास कोई लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं, वो अपने कमरे में पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट में लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं, एक स्टूडेंट है कि लाइब्रेरी में उसे समस्या आई तो तत्काल उसे उसे सॉल्यूशन नहीं था, एक स्टूडेंट है कि सॉल्यूशन वो अपने टीचर से किसी से पूछेगा तो तय होगा, एक स्थिति है कि जो कुछ भी आज आपने पढ़ा आपने पढ़ा, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने आज पढ़ा है, जैसे मैंने आज सुबह की क्लास में IPC के 1 से लेके 52A तक के सेक्शंस को करवाया, और ये कल हम 106 तक पहुंच जाए, कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 106 तक के क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर होगा जिसमें 70 क्वेश्चन लॉपी होंगे। आज की क्लास में और कल मॉर्निंग में होने वाले क्लासेस में, दो क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा इंग्लिश का, उससे एक भी क्वेश्चन बन जाएंगे। हिंदी क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएंगे दो क्लासेस में शाम के, तो आपके 100 क्वेश्चन को, और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कितने देर में करना है, मात्र 60 सेकेंड, वो 60 मिनट्स, तो आपकी स्पीड भी चेक होगी, क्योंकि लाइब्रेरी में बिठा के ही आपसे कराया जा रहा है, आप अपने मोबाइल का कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन में जुड़े हुए वो भी करेंगे, और जो 60 मिनट्स में अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको स्पीड से ही वो पेपर देना, हो सकता है तो आपका स्कोर बहुत कम रहा, ये तो इम्प्रूव करने का आपका टैंड नीचे आ रहा है, स्कोर नीचे आ रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं आप, उसके लिए आप पर्स कर सकते हैं, आप अपने कोच के साथ बैठ सकते हैं। तो मैं नींद रात जैसे आप दे रहे थे सुबह मॉर्निंग में, सारे बच्चे आ रहे थे अलग अलग, तो उनके लिए मैंने करीब करीब गद्दा बता कर रखा है, इसी से 10 मिनट बाद उठती है, 15 मिनट बाद उठती है, क्योंकि क्या है जैसे आज आपका लेवल है अनंत, इनका लेवल है आदि, उनका लेवल है आदि, जब लेवल अलग अलग है तो रणनीति भी अलग अलग, एक रणनीति से सब लोग तैयार नहीं कर सकते, और आपका कोई कष्ट हो पूरा, इससे कुछ गरीब स्टूडेंट्स हैं या कुछ थोड़े कम पैसे वाले स्टूडेंट हैं जो मतलब पढ़ाई के लिए उतना पे नहीं कर सकते, उनके लिए क्या सहायता हो सकती है? देखो रणनीति क्या है, मैंने अपने जीवन में ये परिस्थितियों को जी रहा है, तो कभी कोई जेन्युइन विद्यार्थी आता है और वो कहता है सर मेरे पास पढ़ने के बेस्ट नहीं, तो हम उसको फ्री पढ़ाए, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, और ये हम ऐसा नहीं ना हम अब करेंगे, हम हमेशा से करते आ रहे, कोई विद्यार्थी फ्री पढ़ता रह रहा है स्त्री, उस विद्यार्थी को, और मुझे ये बात बताऊं कि मैंने उसकी रसीद बनवा के बिना अब उससे पैसे जमा नहीं किए, रसीद बनवा तो उसको दे देता हूँ, मेरे भाई को भी ये बात पता नहीं होती तो मैंने किससे फीस नहीं दी, क्यों नहीं पता होती है भाई, उसको भी क्यों बताएं, किसी विद्यार्थी को भी नहीं बता रही, क्योंकि विद्यार्थी को रिजल्ट थोड़ी कान और उसी पूरी फीस ही रसीद काट देते। तो ये इससे मैं ये दिखाने के लिए या करने के लिए नहीं कर, लेकिन मेरी इनर कॉन्शियस को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो विद्यार्थी देखता होगा मैं ये वही अंकित सिंह ऐसा ही था, मैंने भी की मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किए, आज मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी को तो मैं तो एहसान तो वही कर रहा हूँ, नेचर ने मेरे लिए लोग तैयार रखे कि ये लोग आपको सपोर्ट करें,
मैं किसी के लिए बता सकूँगा तो मुझे तो खुशी होगी। लेकिन क्या है, इस मामले में एक समस्या भी आती है कि इम्तहानी ऐसे आई, फिर उनका सपोर्ट भी किया और ये भी कहते सुना रहे हैं, अरे यार हमने तो बेवकूफ़ बना क्यों। वो दुखदाई है क्योंकि आप किसी को बेवकूफ़ बना के ऐसे करेंगे तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो तो कर्म दान में व्याप्त है, वो आंगूर भी देगा ऐसा करना गलत। हाँ जो विद्यार्थी सब बन हुए ना, उन विद्यार्थियों में से कई विद्यार्थी मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने ऐसे लिए खूब सपोर्ट। वो जो सरफ सर हैं उन्होंने इसे मंदिर समझे, आज भी जब आते हैं तो शायद मंदिर में वो मत्था ना टेकते हों, लेकिन वो जब यहाँ चाहते हैं तो वो यहाँ पर ही चलते हैं। ये वाकई में एक सरस्वती मंदिर है, यहाँ बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज हुआ है, जिन मंदिरों में मूर्ति लगी है उनमें कोई सीधा चेंज हुआ या नहीं वो मुझे एक पता, लेकिन इस मंदिर में इनने मेरी चेयर पर बैठे हुए बहुत सारे लोग मती बच्चे होते थे नारे, जो लोग जज नहीं बने शानदार एडवोकेट है, सैकड़ों एडवोकेट राजस्थान भर के हजारों एडवोकेट राजस्थान में अपना शानदार जीवन यापन कर रहा है, वो किसी जुडिशल अफसर से कम नहीं है। कानून के कानून उतना ही अच्छा आता है तो उन्होंने एज एन एडवोकेट बहुत अच्छा किया। तो ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं शानदार स्थिति हो इनके लिए चाहिए, ये कहीं ताजे का सौदा नहीं। जैसे कि अभी 60 दिन ही, जैसे आगे आपने बताया कि 60 दिन ही अब बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, तो क्या ये बिल्कुल 60 दिन में एग्जाम जो आप बता रहे हैं उसकी तैयारी हम कर सकते हैं? हो जाएगी। कारण क्या, देखो एक तो हमने जैसे आज आप देर करते हो तो हम और दूसरे लोग आप छुट्टी कर सकते हैं, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मेरे संडे की छुट्टी नहीं है, मैं 10 जून को भी छुट्टी लूँगा, मेरी छुट्टी 10 जून से शुरू हो, छुट्टी लूँ, मेरी छुट्टी नहीं है, मेरी टीम की छुट्टी नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ उसमें, कई बहुत सारे लोग हैं उसकी छुट्टियाँ भी मना करते हैं नहीं भी। तो देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत लंबी तैयारी करने का कोई व्यक्ति यदि 2-2.5 महीने की शानदार तैयारी कर ले तो हम शानदार तैयारी करेंगे, फिर हम करीब 80+ का स्कोर करते हैं, 80% का, तो उसी दिन हमें पता लग जाएगा हमारे स्कोर लगभग क्या होना है, फिर उस दिन हमें तय करना है कि मेंस के लिए जाना है या मेंस के लिए करीब करीब इस पेपर भी हो जाता है, रिजल्ट आता है, मान लो रिजल्ट इस दिन 1 था 1 महीना, और उसके बाद फिर करीब करीब 2 महीने हो और तो उसके पास 3-3.5-4 महीने का टाइम वो मिल गया और 2 महीने ये वही 6-7 महीने होते हैं, लेकिन कभी आए तो सही पूरे हो गए जब आने 6 महीने की और बहुत लंबे लंबा लंबा धीमे धीमे बढ़ता रहता है। हाँ यहाँ ये है कि 1 घंटे ना कोई दूसरा थोड़ नहीं है, बस पढ़ाई ही पढ़ाई, जैसे नोट्स की बात करें कैसे इसकी बात करें वो सारी चीज़ें, मतलब नोट्स यहीं से चीज़ एक चीज़ एक बुरा काम और ये विद्यार्थी हमेशा करते हैं, क्या चाहते हैं ये जो नए विद्यार्थी उनके सामने एक बेर एक्ट होता है, वो सोचते हैं बेर एक्ट पर अच्छे से पढ़ लें तो पास हो जाए, फिर कोई किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले आएंगे, बाजार में मिलने वाले पुस्तक से ले आएंगे, इसके अलावा कहीं से टेस्ट सीरीज मिल जाए उसी गए, अच्छा वो बड़ा हिंसा आया बहता है, उन्हें पता नहीं होता करना क्या, तो करना क्या है तो वो कई चीज़ों को पढ़ते हैं और कोई भी चीज़ उन्हें पढ़ की तैयार है, लेकिन जैसे मैं अपने विद्यार्थी को कहता हूँ मैं NBC पढ़ी इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में हिंदी मीडियम में देती है, ये तो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए खुद ने बनाए, मैं विद्यार्थी ने नहीं बना, अब स्टूडेंट को क्या करना है वही नोट्स पढ़ने वही अच्छे से तैयार करने, तो जो मटेरियल यहाँ से मिल रहा है जो स्टूडेंट वो इस लेवल का एडवांस करा हुआ है तो कुछ चीज पढ़ने में पक्का है आपका होता है, जब एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ पाए, जब भिन्न भिन्न किताबें एक किताब को 10 बार पढ़ें या 10 किताबों को एक एक बार पढ़ें, तो 10 किताबों को एक एक बार पढ़ेंगे तो पता लगेगा कुछ भी नहीं, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे,
एक किताब कोई 10 बार पढ़ा हुआ है तो उससे बाहर आता नहीं क्वेश्चन पेपर, तो आप बहुत अच्छा पढ़ पाए। दूसरा, हर रोज आपका टेस्ट हो जाए, रोज का टेस्ट होगा, सुबह से शाम तक आपने क्या पढ़ना, उससे शाम को टेस्ट हो गया, जब शाम को टेस्ट होगा 5,000 क्वेश्चन आप हो। तो ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आपको उस मेरिट में ये जाने के लिए पाया। हम तो इस बार विद्यार्थियों कह रहे हैं कि भाई ये श्योर सिलेक्शन बैच है, इसमें ये भी है कि क्लास 12 की आशीर्वाद लंच ये आप अपना टिफिन मंगा लीजिए, खाना खाइए, लाइब्रेरी में कंटिन्यू कीजिए, शाम को 7 से 8 का टेस्ट पेपर दे के जाएंगे, धन जा के आप से सोइए, आराम की नींद लीजिए, पर फिर कुछ तनाव उठ के चले आई आँख उठ के, फिर दिन में ये प्रक्रिया आपकी रहेगी। तो ये ऐसी व्यवस्था। इस बैच में कब तक लास्ट हम एडमिशन ले सकते हैं? 17 के बाद तो हम लगभग इसमें मना कर रहे हैं कि आप फिर आप इसलिए लास्ट डेट इसकी 17th of April लास्ट। हाँ, क्योंकि फिर बहुत नज़दीक टाइम आ जाएगा, हम भी एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से बैच भी एडमिशन अपन से अपनी मेहनत से। अच्छा, कई बार फिर मौसमी या नए 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 पे अन्य पहली बार जितनी वैकेंसी आ रही है, क्या आप टेबल फीस ज़्यादा है तो सिर्फ ज़्यादा फीस के कारण है, कम फीस के कारण, ये रिस्क थोड़ी ना होगी भाई, ये रिस्क क्लियर होगी तो मेरा नहीं नुकसान होगा, और आप हमेशा सोचते रह जाएंगे बाद में कि काश मैं भी शानदार तरीके से कर लेता और ये सब हो जाता। चूँकि राजस्थानी 21 जनवरी 2008 से जन्म हो, तब से डेवलप होते होते बेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट तो शानदार बहुत से भी साधना टेस्ट इससे सैन, अब तो रे कोई अभी कोई खोले बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन खोले और कर तैयारी कर ले, तैयार अभी जाएंगे क्या ये सब चीज़ें, ये एक दिन में तैयार नहीं होते। मैं 17-18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो एक साथ ध्यान हमें मैं इसको इस लेवल पर आ, तो यही है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछने, अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं 17th of April वाले बैच में नौकरी करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद बधाई हो आपको, क्या आप एक अच्छी बस पे चलना चाहते हैं जी। थैंक यू सर।